लेकिन मोदी से बैर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें आज इन आंकड़ों से स्पष्ट होंगी। मध्य प्रदेश का नक्शा, 6:30 बज चुके हैं, मुझे लग रहा है श्वेता पहला आंकड़ा आप जल्दी लेकर सामने आने वाली है। 6:30 बज चुके हैं इस वक्त और आपको बता दें पहला आंकड़ा मध्य प्रदेश का तुरंत आपके सामने हम रखेंगे। कुल 29 सीटें, कुल 29 सीटें, 29 में से किसको कितनी सीट मिलेगी, आप आज तक की टीवी स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करके बैठिए, टकटकी लगा कर बैठिए। कुछ देर में पहला आंकड़ा श्वेता सबसे पहले आप देने वाली है, 29 सीटों में क्या होगा हाल। पिछली बार एक गुना एक छिंदवाड़ा गया था कांग्रेस के पास और इसके अलावा बाद में उपचुनावों में रतलाम की सीट भी चली गई थी। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें इस बार उम्मीद कर सकती है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कितनी होंगी बीजेपी के पास, कितनी कांग्रेस के पास। बस हमारे घोड़ों ने दौड़ अपनी भरनी शुरू कर दी है। देखिए पीछे से आ रहे हैं दोनों घोड़े, एक पर नरेंद्र मोदी सवार, एक पर राहुल गांधी सवार। दोनों के घोड़े रुक गए और दोनों के आंकड़े अब सामने आ गए हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास दिख रहे हैं 26 से 28 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। ध्यान दीजिए 29 सीटें हैं कुल मध्य प्रदेश में, लेकिन 26 से 28 सीटें एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं और एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के पास 1 से 3 सीटें ही जाती हुई दिख रही हैं। यानी अभी जितने की मैक्सिमम उनके पास सीटें हैं, 29 में से इतनी सीटें अगर बीजेपी के पास चली जाती हैं। यहां पर पहला राज्य हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश का, जहां 26 से 28 के दायरे में बीजेपी है जिसने विधानसभा में अपनी सरकार को गंवा दिया, और कांग्रेस जिसने अपनी सरकार को बनाया तो मध्य प्रदेश में, लेकिन 1 से 3 का आंकड़ा उनका दिख रहा है चित्रा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आप कह रही हैं और महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए 2014 से बहुत इतर श्वेता ये तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। 2014 वाली स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है श्वेता। बिल्कुल चल ठीक है, 2014 वाली स्थिति श्वेता मैं दिखा दी है और यहाँ पर जो तैयारी हमने करके रखी हुई है, क्योंकि देखिए खासतौर से बेहद टेक्निकल तरीके